सनी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किस तरह का सफर रहा है आपका इंडियन आइडल का? सफर अगर मैं मेरी पिछली जिंदगी की बात करूं तो बहुत मुश्किलों से, बहुत बहुत जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर और बहुत मुश्किलों से वो सफर कटा है। और जब मैं ऑडिशन देने के लिए आया था तो मैंने सोचा था कि ठीक है, ऑडिशन तक तो आ गया हूँ, आगे क्या होगा, तो बहुत डरा हुआ था। और मुझे गोल्डन माइक मिला और यहाँ तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है और फाइनली ये ट्रॉफी मेरे हाथ में है। इसकी वजह सिर्फ लोग हैं और इंडिया की जनता है जिन्होंने मुझे इतने वोट दिए हैं। और इंडिया की जनता ने मुझे बाहर से भी बहुत प्यार आया, जो बाहर की कंट्रीज हैं, बाहर के जो देश हैं, वो बहुत प्यार देते हैं, बहुत मैसेज आए। वो बेचारे वोट तो नहीं कर सकते लेकिन उनकी दुआएं मेरे साथ थी। और इंडिया ने तो वोट किया है लेकिन जितने भी लोग हैं, जितने भी मुझसे प्यार करने वाले, उनकी दुआओं की वजह से, उनकी वोटिंग की वजह से ये ट्रॉफी मेरे हाथ में आई है। उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अच्छा, जजेस का किस तरह का सपोर्ट था आपको लेकर? कितना ज़्यादा सपोर्ट करते थे आपको जजेस? जजेस मतलब वो जजेस नहीं है, हर एक शो में एक जजेस होते हैं, लेकिन हमारे जो शो में इंडियन आइडल के मंच पे जो शो जजेस थे वो थे, मतलब वो जजेस नहीं है, वो सच में हमारी एक फैमिली है। क्योंकि वो इतने प्यार से हमसे बात करते थे। मैं सोचता था जब मैं ऑडिशन में आया था कि इतने बड़े लोग होंगे, एक एटीट्यूड होता है, ऐसा सोचता था, लेकिन नहीं, वो इतने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। और मैं क्या बताऊँ, उनकी तारीफ में जितना कहूँ इतना थोड़ा है, क्योंकि उनकी वजह से लाखों जिंदगियाँ बनी हैं। मेरे मुझसे पहले भी इंडियन आइडल बने हैं जो उनकी जिंदगियाँ बदली हैं, ये सिर्फ उन जजेस की वजह से हैं। क्योंकि वो अच्छे टैलेंट को लाते नहीं तो मैं भी ये नहीं बन पाता इंडियन आइडल, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। और अगर वो सिलेक्ट नहीं करते तो ये ट्रॉफी मेरे हाथ में नहीं होती। और तीनों जजेस बहुत कमाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो जजेस नहीं है, वो हमारी फैमिली है। मैं उनको बहुत मिस करने वाला हूँ और उनका प्यार एक अलग ही प्यार था, मुझसे नहीं, सभी के साथ। अच्छा, नेहा को लेके हमेशा एक ये चीज़ रहता है कि जब भी उनके सामने कोई इमोशनली गाना गाओ तो बहुत जल्दी रो देती थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई आपका ऐसा सॉन्ग था जिस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशंस? उन्होंने ऐसे बहुत से एपिसोड हुए जिनमें नेहा दी रो पड़ती थी और मैं उनको दी बोलता हूँ क्योंकि मेरी बड़ी दी जैसी हैं और उनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ मैं। क्योंकि वो छोटी छोटी बात पे, छोटी बात नहीं होती, मैं जानता हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी को उस स्ट्रगल को पार करके आते हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। क्योंकि वो भी एक हमारी तरह कंटेस्टेंट बन के आई थी इंडियन आइडल में ही और उन्होंने इतनी मेहनत की है। वो तो एक लड़की थी, उनके पास भी कोई सपोर्ट नहीं था। आज करोड़ों दुनिया के दिलों पर वो राज कर रही हैं, तो उनकी बहुत मेहनत है और वो उन्होंने सब जिंदगी देखी है। वो नीचे से उठकर वो ज़मीन की चीज़ें, उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हुई है, तो उनको वो तभी वो रो पड़ती हैं। इसीलिए मैं कभी कभी गाना गाता था, इमोशनल हो जाती थी और बहुत प्यार देती थी क्योंकि उन्होंने वो जिंदगी देखी है। अच्छा, नेहा कक्कर और आदित्य साथ में ही शो का पार्ट थे और उन दोनों की शादी की न्यूज़ बहुत खुल के सामने आ रही थी। कभी सेट पे उस चीज़ को लेके बात हुई थी कि मीडिया में इस तरह की न्यूज़ चल रही कि दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं? जी, हम भी बहुत एक्साइटेड थे कि आदि भैया और नेहा दी की शादी होने वाली है। मतलब हमें भी कुछ नहीं पता था लेकिन नेहा मैं मानी ही नहीं लास्ट सीजन तक और वो शादी हुई नहीं। और आदि भैया बहुत सैड हो गए थे और मतलब बहुत मजा आया था, बहुत इंजॉय किया था। हम आदि भैया को ऐसे चढ़ाते थे कि आपकी कभी शादी नहीं होगी और आदि भैया को भी बहुत मिस करने वाले हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ है शो पर। उन्होंने लोगों को इतना इंटरटेन किया और शो की जान है वो, और मैं तो उनको भी बहुत मिस करने वाला हूँ, इंडियन आइडल की पूरी टीम को मिस करने वाला हूँ। अच्छा, इसके अलावा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको किस सॉन्ग के लिए मिला था, जिस सॉन्ग को सुनकर हर कोई बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और आपको उसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई मिली? जी, वो एक सॉन्ग नहीं है, ऐसे दो तीन सॉन्ग है जिसमें मैंने ऑडिशन राउंड में गाया था आफरी आफरी नुसर साहब का, दूसरा मैंने गाया था ये जो हल्का हल्का सुरूर, तीसरा रश्के कमर। इन गानों को, सभी गानों को लोगों ने प्यार दिया लेकिन इन गानों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। अच्छा, लास्टली जाते जाते अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो भी मुझे देख रहे हैं और जिनकी वजह से ये ट्रॉफी मुझे मिली है, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। और उनको यही कहना चाहता हूँ कि अपना आप भी कुछ बन सकते हो, अपनी लाइफ को देखकर, अपने स्ट्रगल को देखकर कभी घबराना मत। स्ट्रगल ख़त्म होता है और आप ज़रूर वो चीज़ बन सकते हो जो आप चाहते हो।
बस मेरा यही कहना है, जैसे मुझे प्यार दिया ऐसे ही मेरी तरह जो हालातों से आगे नहीं आ पाते, तो आप उनको भी आगे लाना जैसे मुझे प्यार दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिर्फ।